जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर संवेदनशील जिलों में यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं फ्लैग मार्च कर तो कहीं लोगों से अपील कर ये गुजारिश की जा रही है कि शांति को बनाए रखें, किसी तरह से भी प्रदेश का माहौल ना बिगाड़ें। तो जुमे की नमाज को लेकर यूपी पूरी तरह से अलर्ट पर। तो कई संवेदनशील जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, और इस अलर्ट का साफ तौर पर असर धरातल पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस चाक चौबंद व्यवस्था के साथ लोगों से भी यही गुजारिश पुलिस प्रशासन की है कि वो सहयोग पुलिस के साथ करें। तो अमरोहा, रामपुर, सहारनपुर, गोरखपुर, संभल, गाजियाबाद, ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और किस तरह का अलर्ट यूपी में देखने को मिल रहा है, धरातल पर किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है, लगातार अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं। प्रमोद, वहां पर किस तरह का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में हिंसा भड़की उसके बाद पूरी यूपी इस वक्त अलर्ट पर है। अलीगढ़ में पूरी तरीके से सुरक्षा के, अलीगढ़ एसएसपी ने कड़े इंतजाम कर रखे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स के जवान तैनात है। और बावजूद इसके बाद में मार्केट की करूं तो अभी मार्केट 9 से ज्यादा का वक्त हो गया है, मार्केट पूरी तरीके से बंद है। और इसके अलावा आज जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज को देखते हुए ऊपर कोट, शाहजमाल और इसके अलावा जो जमालपुर एरिया है और जो शहर पुराना शहर है, पूरे शहर में पुलिस फोर्स के जवान तैनात है और पुलिस की नजरें खासतौर से ड्रोन कैमरे से भी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से पुलिस नजर बनाए हुए है कि छतों पर किसी भी तरीके के ईंट पत्थर तो नहीं है। आपको बता दें कि पिछले दिनों यानी आज से 6 दिन पहले अलीगढ़ पुराने शहर कोतवाली में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर भिड़ंत हुई थी, जिसमें लगभग 2 सब इंस्पेक्टर सहित एक दर्जन लोग घायल हुए थे। और इसके अलावा लगभग पुलिस ने अब तक 150 नामजद सहित और लगभग 4000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे 3 कोतवाली थाना क्षेत्रों में 12 मुकदमे दर्ज किए हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से पुलिस इनकी गिरफ्तारी कर पाती है। इसके अलावा आज की बात करें तो आप तस्वीरें देख सकती हैं मेरे पीछे, मार्केट जो है वो पूरी तरीके से बंद है, मार्केट बंद है। और जुमे की नमाज को लेकर लगभग पुलिस प्रशासन के आला अफसर पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के बाईपास पर महिलाएं हजारों की तादाद में धरना प्रदर्शन कर रही हैं और महिलाओं की मांग है कि जब तक कानून में संशोधन नहीं होगा जब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अब देखना यह है कि जुमे की नमाज के बाद क्या जो धरना प्रदर्शन महिलाएं कर रही हैं वो खत्म होता है या फिर कहीं उग्र होता है। बिल्कुल, पूरी तरह से मुस्तैदी जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रमोद जताई जा रही है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो आज का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण इन तमाम तैयारियों के बावजूद। पुराना शहर ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र है, वहाँ सैकड़ों की तादाद में महिलाएं आ गई थी और महिलाओं ने आते ही पुलिस से भिड़ंत हुई थी। भिड़ंत के दौरान काफी देर तक यानी शाम 5 बजे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हुई और ये भिड़ंत पूरी रात चली थी। यानी जो बवाल था पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर वो अलीगढ़ से ही स्टार्ट हुआ था, बाद में फिर अगले दिन दिल्ली में स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ पर खास मुख्यमंत्री से लेकर जो उत्तर प्रदेश डीजीपी और पुलिस प्रशासन के आला अफसर पूरे तरीके से अलीगढ़ पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखना यह है। बिल्कुल प्रमोद, आप ही नारातों पर नजर बनाए रख रही है और लौटूंगी मैं आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच हमारे साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता फराह खान भी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। फराह, दिल्ली में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, जुमे की नमाज है, यूपी में अलर्ट है, अगर दिल्ली की बात करें क्योंकि हाल ही में दिल्ली में काफी हिंसक यहाँ पर देखने को मिली थी स्थिति, फिलहाल क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है अलर्ट?
जी आशिमा, इस वक्त हम जामा मस्जिद पे मौजूद हैं और आज जुमे का दिन है, काफी संख्या में यहाँ जो है लोग नमाज अदा करने आएंगे। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो काफी इंतजाम है कि किसी तरह की कोई चूक ना हो। यहाँ पर अभी शांति बनी हुई है, पुलिस पूरी तरीके से तैनात है कि कोई भी ऐसी बात ना हो। लोग यहाँ पर, लोगों को साफ तरीके से पहले से बता दिया जाएगा कि नमाज अदा करने के बाद वो ज्यादा तादाद में इकट्ठा ना हो, जिससे क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा बढ़ती जा रही है, जो दंगे हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए यहाँ पे काफी इंतजाम करे गए हैं। पुलिस हाई अलर्ट पर है, बैरिकेडिंग लग चुके हैं और लोगों को भी समझाया जाएगा कि नमाज के बाद वो अदा नमाज करने के बाद यहाँ से चले जाएं, ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। क्योंकि आज ये पहली बार नहीं हो रहा है, जामा मस्जिद में कई बार यहाँ हाई अलर्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे लोग काफी संख्या में जो है मौजूद होते हैं, नमाज अदा करने आते हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली के हालात बने हुए हैं उनको देखते हुए यहाँ पे पूरी तरीके से अलर्ट और सिक्योरिटी रखी हुई है कि कोई भी माहौल खराब ना हो, शांति बनी रहे। क्योंकि आज के लिए दिन पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्तैदी बढ़ते हुए है, लेकिन इतनी चाक चौबंद सुरक्षा होने के बावजूद, लोगों से अपील करने के बावजूद इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल जाती है, जो हमने बीते दिनों भी देखी। तो ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि सुरक्षा तो चाक चौबंद है, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो उसके लिए किस तरह से तैयार? जी देखिए आशिमा, जैसा आपने कहा, ऐसा पहले भी हुआ था, पूरी तरीके से धारा 144 लग चुकी थी और उसके बाद भी लोग इकट्ठा हुए थे, प्रदर्शन हुआ था, तो उसके लिए भी काफी यहाँ पर इंतजाम है कि माहौल खराब ना हो। लगातार लोगों से अपील की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली का जिस तरीके से माहौल बन रहा है वो बहुत जरूरी हो गया है कि लोगों में अपील बनी रहे और लोगों में शांति बनी रहे। तो उसके लिए यहाँ पर सुबह से ही लोग तैनात हो गए हैं और जैसा मैं आपको बार बार बता रही थी, लोगों से अपील की जा रही है कि नमाज के बाद सब सब अपने घरों की ओर बढ़े, कोई भी बड़ी संख्या में मौजूद ना हो, किसी भी तरीके का माहौल खराब ना हो। और पुलिस पूरी तरीके से प्रिकॉशन बनाई हुई है कि जैसा बीते दिन देखा गया है वो ना देखा जाए, क्योंकि दिल्ली के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, 48 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि चीजें और ना बिगड़े और ना खराब हो, पूरी तरीके से नजर बंधी हुई है। तो बिल्कुल फरहा, फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, प्रमोद आपका भी जुड़ने के लिए और आदित्य आपका भी।